Hello everyone, welcome to all your maths online classes. Today is 18th of August 2021. Today is Wednesday and this is for 4th standard. We are doing our chapter number 8. So students, हम लोगों ने exercise 8.2 का A, B part कर लिया था. आज हम C part करेंगे जिसमें कि आपको fill in the blanks to make the fractions equivalent. ठीक है, आपको कुछ fractions दिए हैं, उनको equivalent बनाना है. तो जैसे कि suppose कुछ इस type का question है. 1 upon 3 equals to 4, ये blank है, upon 12 दिया हुआ है, ठीक है? इसे भी into 4 करेंगे, इसे भी into 4 करेंगे, क्योंकि आपको पता है, equivalent बनाने के लिए हमें same number के साथ multiply करना होता है, ठीक है? 1 4s are 4, ये तो obviously यहाँ 4 ही होगा, ठीक है? 3 4s are 12, ठीक है? आपको इस तरह से blank को fill करना है ताकि आप equivalent fraction बना सकें, ठीक है? इसी तरह से 5 upon 8 है, ठीक है? और आपको एक blank दिया है और 16 दिया है, ठीक? इसे भी आप 2 से multiply करेंगे, नीचे वाले को भी यानी denominator को भी आप 2 से multiply करेंगे. 8 2s are 16, 5 2s are 10, ठीक है? तो इस तरह से आप equivalent fraction बनाएंगे. इसमें आपको आई थिंक 4 क्वेश्चंस इसके आगे भी है, तो कर लेते हैं हम लोग. जैसे कि सपोज एक और क्वेश्चन करेंगे हम. 1 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 अपॉन डैश दिया हुआ है, ठीक. इसमें भी आपको न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको 3 के साथ यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 वन ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, ठीक है? इस तरह से आप equivalent fractions करेंगे. आपको 8 questions हैं, इसमें आप वो करेंगे attempt. उसके बाद आपका जो D part है उसमें fill in the blanks to make equivalent fractions, ठीक है? इसमें भी आपको blanks fill करने हैं equivalent fraction बनाने के लिए. But आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था cross multiplication आप multiply और divide दोनों में करते हो. कल हमने multiply वाली questions किए थे, आज हम डिवाइड वाले करेंगे, ठीक है? 14 अपॉन 21 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 7 इक्वल्स टू ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, ठीक है? तो 14 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 2 आता है, सॉरी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 7 वन से 7, 7 टू जा 14, तो आप यहाँ 2 लिखोगे. 7 वन से 7, 7 थ्री जा 21, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. फाइन, इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह आपके पास एक और क्वेश्चन है. 6 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश, ठीक है? आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी फर्स्ट न्यूमिरेटर एंड सेकंड डिनोमिनेटर और फर्स्ट डिनोमिनेटर एंड सेकंड न्यूमिरेटर को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? 6 टू ज़ा सॉरी 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6 होता है, तो 3 आप यहाँ लिख दोगे. 2 वन ज़ा 2 एंड 2 फाइव ज़ा 10, तो 5 आपके नीचे वाले ब्लैंक में आ जाएगा. फाइन, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा. इस तरह से आपके 6 क्वेश्चन से आपको ऐसे ही करना है. ओके, तो एक और क्वेश्चन है. इसमें यहाँ आपको डिनोमिनेटर दिया हुआ है. एक और क्वेश्चन जिसमें कि डिनोमिनेटर यहाँ नहीं है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे. 10 अपॉन 16 है क्वेश्चन. 2 अपॉन यहाँ ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्लैंक रखा हुआ है. आप इसको किस तरह से करोगे. 10 को आप ऑब्वियसली बात है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारा न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए. दैट मीन्स यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, ठीक है? फिर 2 वन जे 2, 2 फाइव जे 10, यानी यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा. और 2 वन जे 2, 2 एट जे 16, तो आपके डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. फाइन, तो इसी तरह आपका कभी डिनोमिनेटर ब्लैंक हो सकता है, कभी न्यूमिनेटर ब्लैंक हो सकता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, या डिवाइड करते हैं, एक ही बात है. उसके बाद जो ई पार्ट है उसमें आपको चेक इफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो पेयर्स ऑफ ये फ्रैक्शन के जो कुछ पेयर्स हैं उनको बताना है कि आपको इक्विवेलेंट है कि नहीं. तो वो किस तरह करेंगे हम. 3 अपॉन 8 आपको दिया है, 9 अपॉन 20
4 दिया हुआ है, आपको देखना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। हम उसको कैसे चेक करेंगे, आपको पता है हम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। 3 24 into 3, 3 4 12, 3 2 6 7, ठीक है, 72 एंड 8 9 72 होता है। तो हमारा जब हमने इसे और इसे मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे जो आंसर्स हैं वो सेम आए। दैट मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यानी ये जो पेयर्स बने हुए थे ये इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ये आपको पहला था, दूसरा वाला आपको 3 upon 6 और 7 upon 14 करना है। फिर से हम इसको इक्विवेलेंट देखने के लिए, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12, 3 1 3 plus 1 is 42, और जब आप 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42, दैट मीन्स ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से आपका जो एक और क्वेश्चन है, 4 upon 5 or 15 upon 19 दिया हुआ है, इसे आप अगर करेंगे तो देखिए चेक करेंगे हम 19 into 4 करेंगे, यानी इन दोनों को 4 9 36, 4 1 4 plus 3 is 7, 76, और जब आप 15 को 5 के साथ करोगे मल्टीप्लाई, 5 5 are 25, 5 1 5 plus 7 is 75, दैट मीन 76 और 75 आया, जो कि इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सो आपका जो एफ पार्ट है, जो आपका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, वो है राइट द फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं आपको। सपोज आपको 3/7 दिया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं आप, पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 6 3 2 6 7 2 14, ठीक है, ये आपका पहला निकला। इसी तरह से 3 upon 7 को आप 3/3 से करेंगे, 3 3 9 7 3 21, तो ये आपका दूसरा निकला। इसी तरह से 3/7 को आप 4 से करोगे, 4/4 से 3 4 12, 7 4 28, दैट मीन्स 6 upon 14, 9 upon 21, 12 upon 28 are first 3 equivalent फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस ऑफ 3/7, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, फाइन। ये था आपका पहला। अब दूसरा वाला जो है वो आपको 2/5 अगर दिया है, इसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 2 2 4 5 2 10, इसी तरह से 2/5 को आप 3 के साथ अगर करोगे 3/3 से, आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब भी बनाएंगे हम, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 6 5 3 15, इसी तरह से 2/5 को हम 4/4 से करेंगे, 4 2 8 5 4 20, दैट मीन्स 4/10, 6/15 एंड 8/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/5, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 8.2 है वो ख़त्म हो रहा है। सो आप इन सबको कॉपी पर अटेम्प्ट करोगे, अच्छे से करोगे और मुझे PDF सेंड करोगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है, जो कि आपको 8.3 में करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, अल्लाह हाफिज़।